हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे समरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर की। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विद सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल। ठीक है, मतलब सेल ऑक्सीजन को यूज़ करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अलॉन्ग विथ और किसके सब्सटेंस के और कौन सब्सटेंस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, अब एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल एंड फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर। वी हैव डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग टू लंग्स एंड एसोसिएटेड एयर पैसेज टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अब देखो इसका पूरा क्या मीनिंग है। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, बल्कि तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमको रिक्वायर होता है और CO2 हम एक्सपेल करते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग में क्या होता है, दो स्टेप्स हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर इज टेक इन एंड एक्सपिरेशन एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मीनिंग हो गए। जहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और एल्वियोलर एयर से हम CO2 को रिलीज करते हैं, उसमें जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हर एक एनिमल में अलग अलग मैकेनिज्म है इस चीज़ के लिए। जो ह्यूमंस में है, हमारे अंदर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारे पास दो लंग्स है। ठीक है, ओके, अब हमारे पास लंग्स है, दूसरे एनिमल्स हैं उनके पास कुछ दूसरा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंसेक्ट्स है तो उनके पास ट्रकियल ट्यूब्स होंगे, क्यूटिकल्स होंगे। ठीक है, फिशेस है उनके पास गिल्स है, तो सबके पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, अब जिसमें क्या एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अल्वेलाई। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 अल्वेलाई में जाता है, अल्वेलाई से फिर वो एक्सपेल होता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेज थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। इन सबको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब O2 CO2 का पहले एक्सचेंज होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में भी ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज होगा तो, और बाद में सेल्स में। तो इसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। किसको, जब सेल उसको यूटिलाइज करेगी। ठीक है, किसको यूटिलाइज करेगी, O2 को। O2 को सेल यूटिलाइज करेगी, क्या रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़े थे कि मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने में सेल ऑक्सीजन को यूज़ करती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी के साथ साथ और क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो काम का नहीं है, जो हार्मफुल है, उसलिए हम उसको एक्सपेल करेंगे, इंस्पिरेशन से रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज मसल्स। ठीक है, तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने के बाद होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पर डेवलप होगा, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल, तो वो मसल कौन से होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और साथ में डायफ्राम भी। ठीक है, अगर लंग्स में प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम इंस्पिरेशन करते हैं। क्या, अगर लंग्स में प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम इंस्पिरेशन करते हैं, और अगर लंग्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम एक्सपिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट पे मेंटेन, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटी कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या है, हम जितना एयर इंस्पायर करते हैं, जितने एक्सपायर करते हैं, ये सब कुछ मेजर करने के लिए जो चीज़ है वो है स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर से हम एयर के वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वियोलाई एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। O2 और CO2 का एल्वियोलर लेवल पे अगर एक्सचेंज देखें तो किस कैसे होता है, किसके थ्रू, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो नहीं लगता है, बस डिफ्यूजन के थ्रू, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन जो हो रहा है O2 CO2 का, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिफ्यूजन का रेट, ये कब डिफ्यूजन ज़्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, डिपेंड किस पे करता है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ O2 CO2 एंड सॉल्युबिलिटी एज वेल एज थिकनेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट मतलब अगर बहुत सारे गैसेस हैं उसमें हमको एक गैस का प्रेशर पता करना है तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
उसका एक गैस का प्रेशर को, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इनकी सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कितना होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। दीज फैक्टर्स इन आर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम अल्वियोलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। अब ये डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है, फ्रॉम अल्वियोलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स के पास, अल्वियोलाई के पास कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अल्वियोलाई उसमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, तो ये डिफ्यूजन हो जा रहा है। फिर ये ऑक्सीजन देने के बाद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बचेगा क्या, नहीं, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में भी वो ऑक्सीजन देगा, तो ये कैसा लेवल हो गया, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू अल्वियोलाई। अब ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कौन फेवर कर रहा है, ये देखें। अब टिश्यू से अगर अल्वियोलाई का देखना है तो अपोजिट रहेगा इसका, ठीक है, O2 के अपोजिट में। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और दोनों के कॉम्प्लेक्स को, दोनों के एसोसिएशन को क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। अल्वियोलाई में जहाँ पे PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई होता है, तो ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है बाउंड टू हेमोग्लोबिन विच इज़ ईजिली डिसोसिएट एट द टिश्यू वेयर PO2 इज़ लो एंड PCO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई। मतलब अल्वियोलाई के पास O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए O2 हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है। जैसे ही वो टिश्यू में जा रहा है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा है, PCO2 बढ़ जा रहा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, तो ये जो हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग थी, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना था, वो टिश्यू में जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन टिश्यू को लग जाएगा, और हेमोग्लोबिन के साथ क्या आ जाएगा फिर, CO2, ओके। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो नियरली 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, कार्बोनिंग एनहाइड्रोसिस में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन भी जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो RBC के साथ 97% और 3% प्लाज्मा के साथ, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिखा है कि कार्बामिन और हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ ये 20-25% कैरी होता है, और बचा हुआ जो 7% है वो प्लाज्मा के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं कार्बामिन और हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को बोल रहे थे ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ, ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेड्यूला, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो मेंटेन कौन कर रहा है, एक सेंटर है जो मेड्यूला में है, जिसको बोल रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, मेड्यूलर रीजन ऑफ ब्रेन। फिर आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स रीजन में है ब्रेन के, और एक है केमो सेंसिटिव एरिया जो मेड्यूलर रीजन में है, और ये दोनों भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन को अल्टर करते हैं, ठीक है, चेंजेस लाते हैं। और केमो सेंसिटिव एरिया है वो सेंसिटिव है CO2 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉलिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वुड फर्स्ट लेड टू अर्ज टू ब्रीथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे जो हम पूरे पॉइंट देखेंगे वो हम प्री मेडिकल टेस्ट में, IIPMT में, नीट में आए हुए क्वेश्चन ही देखेंगे। तो ये देखो 2015 में आया क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि अगर आपकी सांस इसे रोक कर बैठे हैं तो क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, देखो फॉलिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वुड फर्स्ट लेड टू अर्ज टू ब्रीथ, ठीक है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही सबसे पहले आपको ब्रीदिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं आता, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपके ऑक्सीजन कम होगा तब ब्रीदिंग करेंगे, नहीं, CO2 की बात आती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अस्थमा में एट्रीब्यूटेड टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल, ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है बट 12th में है, ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज मोर देन इन ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लड। नेक्स्ट क्या है, लंग्स डू नॉट कोलैप्स ड्यू टू ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर एक्सपेल्ड बिकॉज देर इज नेगेटिव इंट्रा प्यूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते, ठीक है, क्यों नहीं होते, ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते टाइम, क्योंकि हमेशा थोड़ी सी एयर हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होती है, उस एयर को
उस एयर की वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट यह है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक जिसको अल्वियोलाई बोलते हैं। लंग्स अल्वियोलाई से बने हैं, अल्वियोलाई भी कोलैप्स नहीं होते फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, क्यों? सेम रीज़न ऊपर का ही लिखा है रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब देखो नीट 2016 और 17 में सेम टॉपिक पे सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिलिकोसिस एंड एंथ्रोसिस आर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। ORDs बोलते हैं इसको शॉर्ट में। सिलिकोसिस है, फाइब्रोसिस होता है, ये सब कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। मतलब जिसका ऑक्यूपेशन ऐसा होता है कि वो माइनिंग एरियाज में काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली ऐसे ब्रीदिंग की वजह से उनमें ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से लंग्स के डिसीजेज होते हैं। ओके, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज स्ट्रक्चरल ट्यूब्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द हेमोसिन विच देन एक्सचेंज विद टिश्यू। तो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन क्या बोलता है? डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सचेंज होता है उनमें, ठीक है। अ पर्सन सफर पंक्चर इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एन डैमेज इन लंग्स, इट इफेक्ट कुड बी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। चेस्ट में पंक्चर अफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो किस वजह से होता है? सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। इन नॉर्मल ब्रीदिंग इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज पैसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमको एनर्जी लग रही है, ठीक है, और अगर एक्सपिरेशन करेंगे तो वो खुद ही हो जाएगा, एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है? डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले भी देखे हैं कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हमें यूज होते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। और लास्ट पॉइंट क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए इज द मेटाबोलाइट विच इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है किस लिए? फैट्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए। यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समरी हमारी कंप्लीट हुई है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। हाँ, डिटेल में तो नहीं हुई है, डिटेल का वीडियो अवेलेबल होगा चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।